नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने लेकर के आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स को। आप सभी लोग अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को वापस से स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए तो आप लोग यहाँ पर इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपना 2024 के यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। या अगर आपको मेंस के एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है प्री के बाद तो उसके लिए भी आप पूरे नंबर्स पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 1 मई से 7 मई के बीच की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे करंट अफेयर है 1 मई का। 1 मई को जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 1960 को यहाँ पर गुजरात और जो महाराष्ट्र है वो एक साथ यहाँ पर अलग हुए थे। तो गुजरात और महाराष्ट्र हुए किससे अलग थे? उस समय की बंबई स्टेट से ही अलग हुए थे। बंबई में आज के समय का महाराष्ट्र वगैरह सारा इंक्लूड होता है, बस उसमें विदर्भ हटा, बाकी सारा जो है वो पूरा इसी में काउंट किया जाता है। और जो ये बनी थी बॉम्बे, उस समय 1947 से 60 तक बंबई जानते थे, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात को मराठी और गुजराती बोलने के तरीकों से यहाँ पर अलग कर दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि असल में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जितने भी हमारी स्टेट्स होंगे उनको हम राज्यों के आधार पर विभाजित करेंगे। जैसे गुजरात में गुजराती बोलने वाले, महाराष्ट्र में मराठी बोलने, क्योंकि इससे पहले बहुत बार इस तरीके की बातें जो है वो उठ चुकी थी। जैसे कि सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा चल रही, तो आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट अगर चल रही थी और आंध्र प्रदेश को 1953 में अलग कर दिया गया लैंग्वेज के आधार पर, तो उसी प्रकार से ये वाली मूवमेंट के लिए भी अलग करना, आगे इसकी भी मांग तेजी से बढ़ती गई। तो महाराष्ट्र एंड बॉम्बे 1 मई को इन दोनों का यहाँ पर बनाया जाता है। गुजरात हमारी 15वीं नंबर की स्टेट बनती है, ठीक है भाई। बॉम्बे तो पहले से ही था, वो मुंबई बन गया, महाराष्ट्र बन गया, और उस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ये पूरा एक जो है आप लोगों ने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए, पढ़ के जरूर जाइएगा कौन कौन से कब कब बनी। इन स्टेट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अक्सर किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, एग्जाम में सीधा सवाल इन पर बन जाता है। तो एक ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर कवर अप करके जाना है, अपने तरफ से इस पूरे को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अब हम लोगों का यहाँ पर कौन सा दिवस मन रहा है? लेपर्ड डे, तेंदुआ दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और लेपर्ड डे जो या तेंदुआ दिवस है, तेंदुआ का साइंटिफिक नेम क्या है ये बिल्कुल हमें पता होना चाहिए, वो है पेंथेरा पार्डस। ये है तेंदुआ का साइंटिफिकली जो हम नाम कहते हैं। तो देखिए भाई, लेपर्ड डे भारत में कहाँ पर मिलते हैं ये हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं स्नो लेपर्ड की बात नहीं कर रही, स्नो लेपर्ड अलग है, उसका दिन अलग मनाया जाता है, वो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। जबकि हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सिर्फ तेंदुआ दिवस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो अलग है। दोनों में डिफरेंस समझ गए ना सब लोग, ठीक है भाई। तो अगर मैं लेपर्ड की बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा लेपर्ड्स कहाँ पे मिलते हैं, ये इसीलिए किया गया। ये मनाता कौन है? ये जो है एक ट्रस्ट का नाम है, इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखना है, केप लेपर्ड ट्रस्ट। अब तो भारत ने भी शुरू कर दिया ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस सुना होगा सब लोगों ने, तो उसमें भी लेपर्ड का नाम है, यहाँ पे भी लेपर्ड का नाम है।
लेपर्ड जो है यहाँ पर भारत के अंदर अगर हम बात करें, ये मैं आपको डेटा बता रही हूँ 2018 का, क्योंकि उसके बाद का कोई डेटा आया नहीं है। ये बताया गया कि भाई पहले के मुकाबले आज के समय में जो लेपर्ड है, तेंदुए, उनकी संख्या बढ़ गई है। सबसे ज्यादा देखने को मिली है मध्य प्रदेश में, करीब 3400 के करीब मिली है, और कर्नाटका में करीब 1700 की मिली है, और महाराष्ट्र में 1600 के करीब। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिले, ये सवाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि पहले के मुकाबले इनकी जो संख्या है उसमें 60% की वृद्धि हुई है। प्लस आज के समय में जो है करीब करीब पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो हमारे पास करीब 12,800 कुछ ऐसे लेपर्ड्स की संख्या देखने को। तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे आप लोगों से पूछा जा सकता है ये दिवस के रूप में, या फिर लेपर्ड के ऊपर सवाल बन सकते हैं, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए इसको पढ़ के जाइएगा। बढ़ते हैं हमारे अगला डिफेंस न्यूज की तरफ। डिफेंस की न्यूज में हमारे सामने एक एक्सरसाइज का नाम है जिसका नाम है एम एक्सरसाइज। आपको भी पता है कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस की जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें एक क्वेश्चन उससे जरूर बन जाता है। तो यहाँ पर समुद्री अभ्यास किया गया है पूरा, जो कि कहाँ पहुंचे हैं, सिंगापुर में। कहाँ पे हुआ है, सिंगापुर में। अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना के जहाज कौन कौन से, एक तो भाई INS सतपुरा और एक INS दिल्ली, ठीक है भाई, दो है सतपुरा और दिल्ली, ये यहाँ पे पहुंचे हैं। 7 से 8 मई को इनका पूरा ये जो है वो पूरा समुद्र का ब्यौरा करना, फ्लीट के साथ पहुंचना, गुरुचरण सिंह नेत के नेतृत्व में ये पूरी एक्सरसाइज की गई है, इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। INS दिल्ली, INS दिल्ली जो है ना वो भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, और जो INS सतपुरा है वो स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, जो कि विशाखापट्टनम में तैनात है, आधुनिक हथियारों से, सेंसर से बने हुए हैं पूरे, और यहाँ पर सिंगापुर गए हैं और सिंगापुर में जाकर के पूरा इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्लियर हो गया भाई, ये वाली एक्सरसाइज है, ये न्यूज में थी, इस हफ्ते हुई है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, जिनकी पिक्चर आप सामने देख रहे हो, इनके बारे में भी एक न्यूज है, जो कि इन्होंने यहाँ पर एकता हार्बर का यहाँ पर मालदीव्स की यात्रा पे गए थे ये, और ये इन्होंने 11 वर्षों में पहली बार किसी डिफेंस मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे गए हैं। उन्होंने मालदीव्स में जा करके एकता हार्बर बंदरगाह का यहाँ पर क्या किया है, एक उद्घाटन किया है। कहाँ पे, मालदीव्स में, मरिया दीदी के साथ। आप पिक्चर देख सकते हैं मरिया दीदी की, तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने यहाँ पर पूरा बनाया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे किया है ये पूछा जा सकता है। उनका मरिया दीदी का यहाँ पर जो है वो एक निमंत्रण आया था और उन्होंने यात्रा यहाँ पर करी, और इस यात्रा के दौरान दोनों ने भारत और मालदीव के बीच में हम किस प्रकार से रक्षा के सहयोग को बढ़ा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक साझेदारी को कैसे जो है वो बायलैटरल टॉक्स के थ्रू बढ़ा सकते हैं, इन सब के ऊपर बात करी कि भाई हम लोग अपने पूरे दोनों जो हमारा हम लोग क्या साझा करते हैं, इंडियन ओशन, हिंद महासागर को, तो हिंद महासागर में हम लोग दोनों पड़ोसी हैं, तो हम किस तरीके से एक दूसरे में आतंकवाद का मुकाबला करना, आपदा के ऊपर बात करना, साइबर सुरक्षा की बात करना, समुद्री सुरक्षा की बात करना, किस प्रकार से ये सब चीजें कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने पूरी बात करी। और साथ ही साथ जो हमारे मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने यहाँ पर जो राष्ट्रपति है मालदीव्स के इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनसे भी बात करी, और वहां के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनसे भी मुलाकात करके आगे की बात करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करी। तो बेसिक बात यह है कि जब भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो इसमें यहाँ पर अपने अपने देशों की क्षेत्र की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाती है, समृद्धि कैसे बढ़ाई जाती है, और एक दूसरे के जो भी हमारी आपस की बातचीत है उसको नया रूप कैसे दिया जा सकता है उसके ऊपर बात की जाती है। तो ये है एकता हार्बर। अब ये एकता हार्बर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये इंडिया की सबसे बड़ी यहाँ पर जो है सहायता परियोजना है, जो हम लोगों ने वहां पे सहायता करी है। कहाँ पर ये, तो देखो भाई एकता हार्बर है कहाँ पर, ये भी पूछा जा सकता है, पढ़ेंगे यहाँ पर सेफावारू में ये बना हुआ है। मालदीव्स आपको पता है, मालदीव की कैपिटल क्या है, माले, उसकी कैपिटल है माले। वहां पे ना बहुत सारे आपको एटॉल्स मिलेंगे, आपने कोरल रीफ्स पढ़े हैं ना, कोरल रीफ में आपने एटॉल पढ़े होंगे, फ्रिंजिंग पढ़े होगा, एटॉल पढ़ा होगा, तो ये एक एटॉल जो है ना सीफाबारू वहां पे बनाया जा रहा है। वहां पे बहुत सारे हैं एटॉल, बहुत सारे फेमस एटॉल हैं, बहुत सारे यहाँ पर न्यूज में भी रहते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का एटॉल है यहाँ पर,
इसलिए ये पूछा गया है। और चागोस लैकाडी उन्हीं के पास में पूरी एक रिज जा रही है पूरी, वहां पर इस पूरी को प्रिपेयर किया गया। तो मालदीव्स के बारे में मैंने आपको छोटे छोटे फैक्ट्स, उसके राष्ट्रपति का नाम और ये सारी बातें मैंने आपको बताई दी हैं। और श्रीलंका के साउथ में पड़ता है, इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। और काफी सारे अटॉल्स हैं, करीब करीब 26 अटॉल हैं, जिसमें से एक पर पहले क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था अड्डू एटॉल कहाँ पे बना हुआ है। अड्डू एटॉल, तो अड्डू एटॉल कहाँ पे बना हुआ है, अड्डू एटॉल मालदीव्स का ही एक हिस्सा है। तो ये एक प्रकार से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। तो ऐसी ये मतलब दूसरी जो न्यूज में होती है, उस समय अड्डू एटॉल पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहां से क्वेश्चन बन गया। अब इस तरीके का जितना भी यहाँ पर होगा तो पूछ लेते हैं भाई, ये भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का पार्ट है, जैसे इंडिया है वैसे ये भी है। तो अभी यहाँ पर पहले नहीं थे बीच में, फिर हुए, फिर दोबारा हटे और फिर से हट आगे वापस से, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये पार्ट है, इसको थोड़ा सा बस ये याद रखिएगा। बाकी मॉल्डीव्स में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, एटॉल्स भी बहुत सारे हैं और बहुत फेमस जगह भी है, और जानते भी आप वहां जाने के लिए कोई खास यहाँ पर वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, पाकिस्तान जो है वो एडीबी का सबसे बड़ा यहाँ पर प्राप्तकर्ता रेसिपिएंट बन गया है 2022 के डेटा के हिसाब से। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि एडीबी होता क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसको। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ना, वो किस प्रकार से काम करता है, तो देखो भाई आप लोगों को मैं अगर एक बिल्कुल एक शॉर्ट में बताऊं ना, तो आपको ना पांच बैंकों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आपको ऐसे कौन से पांच बैंक बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए उनके हेडक्वार्टर्स के साथ। एक तो है वर्ल्ड बैंक, एक है आईएमएफ, एक है एडीबी, एक है एआईआईबी और एक है एनडीबी। ये पांच बैंक आरबीआई के अलावा, आरबीआई तो चलो आप पढ़ ही रहे हो, वो तो इंडिया का है ही, इसके अलावा आपको ये सारे बैंक्स ना पूरे रटे हुए होने चाहिए। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे अभी वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है वो अजय बांगा को बनाया गया है, जो कि ऑलमोस्ट यूएसए से ही हमेशा आते हैं। आईएमएफ के जो चीफ होंगे वो हमेशा यूरोप से आएंगे। ऐसे करते करते ये सारे बैंक के बारे में आपको बताना चाहिए। अब मैं एडीबी की बात करती हूँ, क्योंकि अभी हम वही पढ़ रहे हैं, आपको वैसे ही सारे बैंक आने चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जो कि 1966 में बना था, अभी इसके अंदर 67 मेंबर्स जुड़ चुके हैं इंक्लूडिंग इंडिया। सबसे ज्यादा शेयर इसके अंदर एशिया में जापान का है, वो है 15.677% पैसा फंडिंग आती है पूरी। उसके बाद यूएसए, जबकि यूएसए एशिया का पार्ट नहीं है बट स्टिल इसका पार्ट है, ठीक है। इसका यूएसए का करीब 5-6-7, बहुत कम कम में है लेकिन मतलब इक्वल शेयर आप पा। फिर उसके बाद चाइना और इंडिया की बात करते हैं, चाइना का शेयर इसमें काफी कम है और इंडिया का शेयर, ठीक है, तो इतना इतना परसेंट है। परसेंट आपको याद नहीं रखना, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किसका कितना परसेंटेज है शेयर, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके, हेडक्वार्टर है इसके मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस की जो कैपिटल है ना, वहीं पर ही बने। फिलीपींस आसियान का पार्ट है, ठीक है भाई। तो ये इनका काम क्या है कि जितने भी सारे यहाँ पर एशिया के रीजन में जितना भी यहाँ पर गरीबी का है, सस्टेनेबिलिटी की बात है, सारी चीजों को रिमूव करना है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग वगैरह की जाती है। और उस तरीके से इंडिया ने भी जब कोविड का समय आया था तो अच्छा खासा लोन जो है वो यहाँ से लिया था, और तमिलनाडु की सिटी के लिए भी प्रॉब्लम हुई थी तब भी वहां पे लिया था, वाइजैग और चेन्नई के अंदर पूरा बनाना था तब भी लिया था। मसाला बॉन्ड जो हमने जारी नहीं करे थे, एक बार याद होगा आपने पढ़ा होगा मसाला बॉन्ड्स, तो मसाला बॉन्ड्स को जारी करने के लिए भी, ठीक है ये बॉम्ब नहीं है, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ सी लग रही है, ये बॉन्ड था, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने ये सारे काम किए थे, तो ये आपको एडीबी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक चैट जीपीटी का नाम सुना हुआ है, सबको आइडिया है, ऐसे ही रशिया ने अपना गीगा चैट करके लॉन्च कर दिया है। रशिया का जो चैट, जो ऑलरेडी चैट जीपीटी चल रहा है, उससे कम्पीट करने के लिए, फाइट करने के लिए रशिया के एक बैंक इंस्टीट्यूट है सबर बैंक, उन्होंने यहाँ पर गीगा चैट करके बता दे, उन्होंने बता रहे हैं कि भाई जो रशिया का गीगा चैट है ना, वो जो बाकी के ये जो है ना, ये चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई,
इन सबसे बहुत बेहतर है और बहुत अच्छे तरीके से पूरा फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा इंटेलिजेंट है, और ज्यादा कॉन्वर्सेशन लिखना, प्रोग्राम बनाना, सारी चीजों को बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि भाई चैट जीपीटी को तो उन्होंने बैन कर दिया रशिया ने, उन्होंने बोला कि भाई ये तो क्रिमिनल प्रवृत्ति को बढ़ा रही है, ये तो गलत इंफॉर्मेशन फैला रही है, तो यहाँ पर बैन कर दिया। इसलिए गीगा चैट को बना दिया गया है, और पूरे तरीके से अभी भी लेट्स सी कि आगे चल के इसका क्या, दोनों का फ्यूचर हमें देखने को मिलेगा। अगला है यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, अडानी ग्रुप ने विशाखापट्टनम में एक अलग से क्या बनाया है, डेटा सेंटर। अब यहाँ पर ये डेटा सेंटर जो है ना, ये एक बहुत बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या खास बातें होंगी, या ये जो है क्यों न्यूज में रहेगा, अब ये आपको समझना है भाई कि सबसे पहले यहाँ पर अब किया क्या जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अडानी ग्रुप ने एक किस नाम से स्टार्ट करा है, लिख लीजिएगा, वाइजैग टेक पार्क। और वहां के जो आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने वहां के इसकी जो है पूरी आप कह लो कि फाउंडेशन जाकर के रखी है, जिसमें 300 मेगावाट का डेटा पूरा सेटअप किया जाएगा, बहुत बड़ा सेटअप करा जा रहा है, और पूरा बहुत बड़ा इवेंट भी ऑर्गेनाइज हुआ था। बेसिक बात ये कि भाई विशाखापट्टनम को बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, और जितने भी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना आसान हो जाएगा भारत में। तो काफी बड़ा डेटा सेंटर ओपन किया जा रहा है, जिसमें करीब करीब यहाँ पर जो है 21,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, और एक मदुरवाड़ा में भी बनाया जाएगा, ठीक है, आगे चल के। तो अभी तो फिलहाल विशाखापट्टनम में और हो गया है, ठीक है भाई, जो कि सिंगापुर से केबल आ रही है उसको बिछाने के लिए पूरा यहाँ पर डेटा सेंटर बना दिया। अगला है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दादर नागर हवेली। आप न्यूज में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, है ना, अब हमें पता है कि हम बिल्कुल भी इस चीज को नहीं पढ़ते क्योंकि न्यूज में रहता ही नहीं है दादर नागर हवेली, लेकिन अभी यहाँ पर न्यूज में क्या आ गया, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है ये 2020 में 26 जनवरी को एक साथ एक एक ही यूटी बना दिए गए थे। तो अब यहाँ पर एक नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से शिक्षा चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नाम से एक यहाँ पर अलग से सिलवासा में बना दिया गया है, ठीक है भाई। इनॉग्रेशन इसकी हो चुकी है और ये काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, कैंपस एक बनाया गया है, करीब इसको 200 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगी है इसको बनाने में, बहुत पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, बना अभी जाकर है, जिसके अंदर आपको फैसिलिटी हर प्रकार की मिलेगी, करीब करीब 200 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही टॉप क्लास यहाँ पे रहेंगी। इससे जुड़ा हुआ एक हॉस्पिटल भी रहेगा जहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि वहीं पर ही बना हुआ है, श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल सिलवासा का। वहां पर जो भी मेडिकल फैसिलिटीज है वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, और ये पुराना हॉस्पिटल है, और दमन दीव दादर नागर हवेली की अभी कैपिटल क्या है, पहले सिलवासा भी थी, अब दमन कर दी है, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी है। अगला बढ़ते, ये बहुत ही एक नॉर्मल सी एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको पता है कि हमारे एग्जाम में बुक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का से आता है, तो ये जो बुक पे क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और मतलब मुझे ऐसा चांस लगता है कि ऐसी ऐसी जो बुक्स होती है ना, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो ये बुक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अमिताभ कांत जो कि आईएएस ऑफिसर भी थे पहले, साथ साथ ही नीति आयोग के सीईओ भी बने थे, उसके बाद ये भारत के शेरपा भी बने G20, तो इस प्रकार से उन्होंने काफी सारी चीजें बात करी। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि हम किस प्रकार से जो है 75 ईयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, और इस तरीके से आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे कैसे आगे चीजें होंगी, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बताई है, सारा कुछ तो उन्होंने इस बुक का लिखा है, यह बुक को आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कह रहा है कि भाई बिहान मेला, एक अलग से मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। अब ये बिहान मेला क्या चीज है इसको हम देख लेते हैं। अब देखो भाई बिहान मेला ना, ये असल में जो फार्मर्स है ना वो मनाते हैं, इसको सीड फेस्टिवल भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक मेला जो है ओडिशा के एक एरिया है नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे किया जाता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें
फार्मर्स जो है ना वो अपने यहाँ से एक सीड का एक्सचेंज करते हैं, सीड्स को आपस में शेयर करते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है, कई बार ना स्लाइड आगे चली जाती है तो इस चीज को थोड़ा सा ना कई बार ट्रांजिशन का कोई इशू होता है इसमें, तो आप इसको ना मतलब थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा इस चीज पर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी में जो ये पूरा किया गया है, इस सीड फेस्टिवल में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम है निर्माण इनिशिएटिव। निर्माण इनिशिएटिव में फार्मर सारे मिल करके क्रॉप्स के ऊपर बात करना, ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर बात करना, इन सब के ऊपर जो है एक अलग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो मेन होते हैं वो ड्रम्स बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, इकट्ठा होते हैं, सारा कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये आप इसमें एक अलग से एक छोटा सा इनिशिएटिव है, बट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है कि बीज का उत्सव कहाँ मनाया जाता है या फिर बिहार मेला कहाँ मनाया जाता है। अगला, अभी आपको पता है मन की बात, सब लोग जानते हैं मन की बात को, तो मन की बात के 100 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं, इसीलिए एक उस समय बुक लॉन्च की गई है, इस पे हाई हाई चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो प्रसार भारती के पुराने सीईओ रहे हैं उन्होंने बुक लिखी है, नाम है उनका शशि शेखर। बुक का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, सब लोग मिलकर के कलेक्टिवली आगे बढ़ेंगे, उसी के ऊपर बनाया गया है। और 26 अप्रैल को यहाँ पर इसका पूरा एक बनाया गया था। इस बुक के अंदर 15 चैप्टर से ज्यादा है और ये बताया है कि किस प्रकार से हमारे जो एक प्लैनेट है उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे पीएम मोदी हैं उनकी जितनी जितनी आज तक की बातें रही हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें रही हैं आज तक की, सारे इस बुक में उन्होंने लिखी है और सारा कुछ बताया है। इस बुक के ऑथर कौन है ये हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। मन की बात मैं आपको बता दूं, ये 3 अक्टूबर को, मन की बात का जो इनिशिएटिव है ये 3 अक्टूबर 2014 को जो है वो चलाया गया था। 22 लैंग्वेजेस में आता है, 11 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में और 29 बोलियों में इसका प्रसारण किया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं माफी चाहूंगी आप सभी लोगों से कि जो कभी कभी स्लाइड आगे बढ़ जाती है और आपका ध्यान शायद थोड़ा इधर उधर हो जाता होगा स्लाइड की वजह से, उसके लिए मेरी तरफ से माफी है, आगे से ये चीज कभी नहीं होगी। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर सिमलीपाल का टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा में बना हुआ है, वहां पर अभी एक जो टाइगर है, एक बाघ जो है वहां पे मृत पाया। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अगर हम पूछे ये कहाँ पे बना हुआ है, तो ये उड़ीसा में बना हुआ है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि उड़ीसा की आपको क्या क्या चीजें याद है। उड़ीसा में मयूरभंज में इसको बनाया गया है और इसका मतलब ही क्या होता है, सिल्क कॉटन, सिंबल का मतलब। ठीक है, उड़ीसा बहुत सारी चीजों के लिए याद रखना है, उड़ीसा का उत्सव याद रखना है, उड़ीसा का नेशनल पार्क याद रखना है, चिलिका लेक याद रखनी है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ये जो सिमलीपाल है ये यूनेस्को का जो एक मैन एंड बायोस्फेयर करके एक इनिशिएटिव है उसमें भी ये बना हुआ है, और इसी आपको टाइगर रिजर्व में बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, बारासिंगा, चौसिंगा आपको काफी ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। एक कुछ समय पहले इस पूरे में फॉरेस्ट फायर जो होती है ना, आग लग जाना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ल्ड बैंक के जो है नए एक बना दिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक के नए सीईओ या फिर आप कह लो कि सबसे बड़े हेड जो है वो बना दिए गए हैं, और इनका नाम इम्पोर्टेंट है अजय बांगा, क्योंकि ये भारत से बिलोंग करते थे लेकिन अभी ये अमेरिका में रह रहे हैं और ये मास्टर कार्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। देखिए भाई, वर्ल्ड बैंक का एक साफ सीधा रूल है कि भाई जो जो भी बनाए जाएंगे वो हमेशा कहाँ से रहते हैं, वो हमेशा यहाँ पर यूएसए से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड बैंक जो असल में पहले बना था ना वो आईबीआरडी और आईडीए का, आईबीआरडी और आईडीए इसका मिक्सचर बना था। अब तो इसमें 5 जुड़ गए हैं, अगर आपने कभी वर्ल्ड बैंक का ना वो देखा हो सिंबल, उसमें 5 लिखे होते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो उसमें 5 हो गए। ठीक है, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसके बाद यहाँ पर इसको बनाया गया था 1944 में ही, 7 जुलाई को बना दिया गया था। हो गए करीब इसको अब 78 ईयर्स हो गए, जिसके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। अगर आप में से सबको पता है डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फिर मैं उसमें रिप्लाई करके जरूर बताऊंगी कि किसका आंसर ठीक है किसका गलत है। और गूगल मत करिएगा, बिना गूगल के जिसको पता है वो बताइएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है हमारे लिए, और रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब कि ये हर साल आती है और इसको पब्लिश करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में ऐसे ही याद रखना है। और इस रिपोर्ट में 180 कंट्रीज का पूरा रैंकिंग देखी जाती है, और इंडिया की रैंक इस बार कितनी आई है, 180 में से 161 पे हम आए हैं। ठीक है भाई, 161 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी हमारे नेबर्स हैं सब आगे हैं हमसे, चाहे मैं भूटान की बात करूं, श्रीलंका की बात करूं, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश की, हमसे आगे। पहले जो है इंडिया की पोजीशन अभी 161 पे देखने को मिल रही है, और चाइना हमसे पीछे है, चाइना, मेक्सिको, ईरान, सीरिया, यमन, यूक्रेन, थोड़े से ये हमसे पीछे हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, तो उस हिसाब से ये पूरा बनाया गया था। इसमें नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क टॉप किया है। ठीक है, टॉप और ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इस तरफ आपको इजी हो जाएगा। इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने, आयरलैंड ने और डेनमार्क ने। ठीक है, यहाँ पे सबसे लास्ट कौन आए हैं इस लिस्ट में, वियतनाम, क्योंकि वहां तो है ही नहीं ना प्रेस की, तो फ्रीडम दे नहीं रखी है, चाइना, और आई थिंक लास्ट वाला तो आप सभी अग्री करेंगे, नॉर्थ कोरिया, वहां तो है ही नहीं, कोई फ्रीडम ही नहीं है वहां तो। ठीक है, तो इंडिया की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पीछे होती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो जर्नलिस्ट है उनको एक्सट्रीम प्रेशर रखा जाता है, उनको सेंसर करवा दिया जाता है, और ये जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है ये पेरिस में बना हुआ है, यूनेस्को के साथ मिलकर के काम करता है, और ये 180 कंट्रीज को पूरा रैंकिंग देता है कि भाई कहाँ पे कितनी यहाँ पर प्रेस को आपको फ्रीडम देखने को मिलती है। आर्टिकल 19 में हमारी फ्रीडम लिखी हुई है, बाकी किस प्रकार से मिलती है वो ये सबको सुनिश्चित करके बताता है। ठीक है भाई, अगला हमारा क्वेश्चन है एससीओ के ऊपर। एससीओ आप सभी लोग जानते हैं, अभी मीटिंग जो है भारत में अभी ही एससीओ के चल रही है। एससीओ की अगर मैं बात करूं तो एससीओ के अंदर कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं, पहले तो हम यही देख लेते हैं। ये 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है यूरेशिया में। रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस, तजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, ये ईरान के रिश्ता भी ऑब्जर्वर नेशन में है। ठीक है, सबसे पहले शांघाई 5 करके बना था, उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन करा, फिर 2017 में इंडिया ने ज्वाइन कर। ठीक है, आज के समय में मेंबरशिप मंगोलिया के पास नहीं है, मंगोलिया ऑब्जर्वर नेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वर में कौन कौन है, मंगोलिया, बेलारूस, ईरान और अफगानिस्तान, ये चारों क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है कि वो लोग मीटिंग आके अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग देने की पावर उनके पास नहीं है, वोटिंग का अधिकार उनके पास बिल्कुल नहीं, बाकी सारी चीजों का अधिकार उनके पास है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन रखी गई है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसके हेड अभी जो है जहांग मिंग है, ये चाइना के ही डिप्लोमैट है। ठीक है भाई, इसमें आप याद रख लो सेंट्रल एशिया में जिनमें इनके पीछे टीएन लगता है ना, वो सारी कंट्रीज है, बस एक नहीं है इनके अंदर, वो है तुर्कमेनिस्तान। आपने पांच पढ़ी है ना कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान हटा दो, बाकी चारों कंट्रीज इसके अंदर बनी हुई है, और ये अपना पूरा काम करते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। इंडिया ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट करवाया था, रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें ये भाई टेररिज्म के अगेंस्ट काम करने की कोशिश है। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये कंफ्यूजन है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा लग सकता है कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन लिखा है तो उसके हेडक्वार्टर्स तो ऑब्वियस ही बात है शांघाई होंगे, पर ऐसा नहीं, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके हेडक्वार्टर्स शांघाई में है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। मुझे यही आप लोगों को एक पॉइंट समझाना था, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि यार ऑब्वियस ही बात है कि हेडक्वार्टर्स तो यही होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है मीटिंग चल रही है, अभी जो है नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर मिनिस्ट्री में ले रहे हैं, तो ये मीटिंग चल रही है अभी फिलहाल। उनकी जो प्रॉपरली एक मीटिंग है वो यहाँ पर कहाँ पे हुई है, गोवा में। ठीक है भाई, तो गोवा में यहाँ पर है, इस बार हमने बेलारूस ईरान दोनों को यहाँ पर बुलाया है, और इस बार की जो थीम है, देखो भाई ये पिक्चर ये आप देख सकते हो, गोवा की हमारे एस जयशंकर है। ठीक है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पूरी मीटिंग वीटिंग चल रही है,
सारी कंट्रीज के आपस में। और इस बार की जो थीम है वो ये देखिए भाई, लिखी हुई है सिक्योर, SCO। सिक्योर की फुल फॉर्म आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ से, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट, एनवायरमेंट, ये है सिक्योर की पूरी फुल फॉर्म। ठीक है, SCO के साथ साथ पूरी की पूरी जो मीटिंग्स है वो इंडिया में कंडक्ट की जाएगी। इंडिया 2017 में मेंबर बना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया कब मेंबर बना है और पाकिस्तान, दोनों साथ में ही मिलकर के बने हैं। इस बार UPPCS के एग्जाम में चांसेस हैं कि हम इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब SCO के ऊपर ना हाई चांस है कि क्वेश्चन बन सकता है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप अपने एग्जाम के लिए। इसको मतलब मेरे कहने का मतलब है कि छोड़ के मत जाइएगा। इन्होंने अभी मिल करके यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के ऊपर भी इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, स्टार्टिंग अप करके नाम यहाँ पे रखा है एक पूरा। और कोशिश ये है कि भाई सारी सारी चीजों में ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, मेन बात ये होती है कि भाई हम ट्रेड कैसे बढ़ाएं। तो ट्रेड को बढ़ाओ आपस में, ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपर हैंड रखने की कोशिश करो, ठीक है, अपर हैंड रखो यहाँ पर, ताकि आगे बढ़े तो एक साथ ही सारे लोग आगे बढ़े, कोई किसी को पीछे छोड़ के ना जाए। इंडिया की तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि हर एक देश को, हर जगह को, हर एक चीज को आगे बढ़ाते चले। आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन आता है, आज का हमारा क्वेश्चन है फिट फॉर 55 इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट किया, अभी यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन कमीशन काफी न्यूज में है, क्योंकि इन्होंने ये भी बोल दिया कि अब से आपके ऊपर क्या क्या लगेगा, जो भी कंट्रीज हम पे सामान भेजती है ना यहाँ पर, उन पे हम एक कार्बन टैक्स लगा। तो यूरोपियन कमीशन ने यहाँ पर फिट फॉर 55 करके एक पूरा प्रपोजल का सेट बनाया है, जिसमें यहाँ पर फिट फॉर 55 का पैकेज निकालेंगे, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा 2023 तक आते आते ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन होता है उसको कम से कम 55%, 55 लिखा है ना, 55% तक यहाँ पर कम करने का लक्ष्य लिखा गया है। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही लिखी हुई है। यूरोपियन यूनियन ये 2021 में आया था, लेकिन आज भी इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये न्यूज में रहता है फिट फॉर 55 पैकेज के नाम से। इसमें ये भी बोला गया कि भाई जो हमारे व्हीकल्स है, वाहन है, उनसे भी हम लोग यहाँ पर 2000, इन्होंने ये बोला है कि भाई आने वाले 2030 तक हम लोग 55% तक कट कर देंगे, और आने वाले 2035 तक हम लोग 100% पूरा यहाँ पर कट कर चुके होंगे। तो ये सब इनका काम है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से कार्बन वगैरह के ऊपर इस बार चांस है, क्वेश्चन आ सकता है, कार्बन वगैरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आप सभी लोग इन सब चीजों के ऊपर अपना पूरा लर्न करते रहें, पढ़ते रहिए। जो भी अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, कोई भी एग्जाम आ रहा है, हर एग्जाम के लिए आपकी सारी ये चीजें, जितना भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट है। मेरी उम्मीद यही है कि हर एक स्टूडेंट को करंट अफेयर से बेनिफिट होना चाहिए। और आप लोग सभी लोग, मेरी एक यही आप लोगों से कहना है कि जो भी आप 2024 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, UPPCS, BPSC, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी उससे यही ये कहना है कि भाई आप लोग पढ़ाई ना अभी से शुरू कर दो, वेट मत करो। आप अपने जो कॉन्सेप्ट बनाने हैं ना वो अभी से बनाने शुरू कर दो, क्योंकि बेस नहीं बना होगा तो प्री प्री भी नहीं निकलेगा। मान लो प्री निकल गया तो मेंस में दिक्कत आ जाएगी, लिखोगे क्या। तो अपना जो एक नो फाउंडेशन होती है, नींव बहुत स्ट्रांग करनी जरूरत है सभी लोगों को। तो वो आप जब भी कोई चीज पढ़े समझे, जैसे मैं आपको कोई भी टॉपिक बता रही हूँ, जैसे SCO के बारे में बताया, अब ये पढ़ के ना छोड़ दें कि SCO जो है वो गोवा में मीटिंग हुई है, इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है बस, नहीं, इतना नहीं, इससे ज्यादा जानने की कोशिश करनी है। आपको ये जानना है कि SCO के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया क्या हमेशा से पार्ट था इसका, या जब मतलब फाउंडेशन फाउंडिंग पार्टनर था, जब इंडिया जब से बना है ये SCO तब से इंडिया पार्ट है या बाद में बना, मतलब ऐसे जितनी भी चीजें होती है ना वो आपको जानने। आप वो सब जानोगे तब जाके आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, और फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलने के जो चांसेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट करिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते के वीकली करंट अफेयर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। पढ़ते रहिए ऐसे ही मन लगा करके, जरूर आपकी सबकी जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी।